हाय वर्गो, कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं सितंबर मंथ की। गाइस, देखेंगे सितंबर का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है ये पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, रेजोनेट करे, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें आपसे कनेक्ट होती हैं उतनी ही लें, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। और मैं ऑलवेज़ कहती हूँ, जब भी आप रीडिंग्स देखते हैं तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर देखिएगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही बेटर आपको गाइड करेगी कि आपको कहाँ पर मैसेजेस देने हैं, कहाँ पर मैसेजेस कनेक्ट होने हैं। तो प्लीज़ ओपन रहिए, रिसीविंग मोड में रहिए, ओके, और अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए। थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज लीजिए, डिवाइन को थैंक यू बोलिए, उनसे बोलिए कि वो इस वीडियो के माध्यम से आपको गाइड करें सेप्टेम्बर मंथ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महाकाली, जय गुरु जी, जय माता कल्याणी। जिस करता है प्लीज बताएं, जितने भी आपके बच्चे वर्ग कन्या राशि वाले इस रीडिंग को देख रहे हैं, सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है। सितंबर मंथ वर्ग कन्या राशि, टेन ऑफ माइकल जो कि है टेन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ माइकल नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ राफेल जो कि है क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वांड्स, जस्टिस, पेज ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है सॉल्यूशन जो कि टेम्परेंस की ऊर्जा है। लेट्स सी मोर, कन्या राशि राइट एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक है कंपैशन, ग्राउंडेड और डिवाइन सोर्स। राइट एक्शन, रिफ्रेम, ओके, माय डियर वर्गो, सेप्टेम्बर मंथ आप लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। सोच विचार से ज़्यादा भी यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ कि आपके ज़िंदगी में बहुत चीज़ें, बहुत कुछ, आपको बहुत सारे वूंड्स मिले हैं, बहुत तकलीफ़ें आपको मिली हैं, बहुत चीटिंग्स आपके साथ हुई हैं, चीज़ें आपके साथ सही से नहीं चल रही हैं। चाहे मतलब खासकर मुझे यहाँ पर रिश्तों को लेकर के यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये अदर एस्पेक्ट भी आपका हो सकता है, मे बी करियर हो आपका या फिर रिश्ते हैं कुछ लोगों के को लेकर के मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो बेसिकली आप लोग अपने आप को चीटेड फील कर रहे हो, आप लोग अपने आप को बहुत मतलब बहुत दिल में जैसे कि बहुत कुछ आप लेकर के बैठे हो, बहुत दुख आप लेकर के बैठे हुए हो, बहुत कुछ, बहुत सारे इमोशंस हैं आपके अंदर,
लेकिन अभी यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, ये जो सितंबर मंथ है, बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, जो आपके साथ चीज़ें हुई हैं, जो नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हुई हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में ना आप ये सितंबर मंथ में सोचने वाले हैं। अब ये जो सोच आप रहे हो, मैं इसको इस सोच को मैं आपके नेगेटिव नहीं बोलूँगी, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये जो मंथ की एनर्जीज भी आई है, ये राइट एक्शंस और रीफ्रेम की एनर्जीज आई है। कहने का मतलब आप इस महीने ना एंडिंग्स कर रहे हो, बहुत चीज़ों की एंडिंग्स, जो आप, जो लोग, जो सिचुएशंस, जो आदतें, जो करियर पाथ या फिर जो भी चीज़ें बेसिकली आपको सर्व नहीं करती हैं, आपको मतलब आप उन जैसी चीज़ों को अब एंटरटेन नहीं करोगे, अब उन जैसी चीज़ों को आप लेकर के अपने साथ नहीं चलोगे। कहने का मतलब जो आपके साथ फेथफुल नहीं रहे हैं, जो आपको सर्व नहीं करते, जो आपको ऐसा लगता है कि मैं इस चीज़ में बेकार में ही फंसी हुई हूँ या फंसा हुआ हूँ, ठीक है, यहाँ से कभी मुझे अच्छी एनर्जीज नहीं मिली है, या फिर ये चीज़ें, मतलब होता है ना कि आपने बहुत अपना 100% दिया किसी सिचुएशन में या किसी रिश्ते में, लेकिन आपको आगे से उतना नहीं मिला, आपको ऐसा लगा कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, मेरे साथ चीज़ें छुपाई जा रही हैं, मेरे साथ गलत किया जा रहा है, मेरे साथ इक्वालिटी मतलब इक्वल नहीं हो रही है चीज़ें। तो कहने का ये मतलब है कि आप ऐसी चीज़ों को अब एंटरटेन नहीं करोगे, आप ऐसी चीज़ों के साथ अब आगे ग्रो नहीं करोगे, जिसे कहते हैं ना कि आप एक वर्ड है ना, अति हो गई, अब पानी सर से ऊपर हो गया, तो वो वाली एनर्जीज मैं आपके लिए फील कर रही हूँ कि अब आप हर चीज़ को ख़त्म करना चाहते हो, जो चीज़ें, जो लोग, जो एनर्जीज आपको सर्व नहीं करेंगे, आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो ये मंथ में। आप इस मंथ में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस, एक्शंस आप लेने वाले हो, बेसिकली रिफ्रेम करोगे अपनी ज़िंदगी को, रिश्तों को, करियर को, सिचुएशंस को, कि क्या चीज़ें मेरी ज़िंदगी में रहनी चाहिए, क्या चीज़ें मेरी ज़िंदगी में नहीं रहनी चाहिए, क्या चीज़ें, क्या लोग, क्या सिचुएशंस मेरे लिए है, क्या एनर्जीज मेरे लिए है, कौन मेरे लिए है, कौन मेरे लिए नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि आप लोग जो है अब एक नई शुरुआत अच्छी चीज़ों के लिए ओपन हो रहे हो, और नेगेटिव जो भी चीज़ें, जो आपको, आपके हिसाब से आपको लगता है कि वो चीज़ें मुझे सर्व ही नहीं करी है, उन चीज़ों को अब आप फाइनली आप उनसे फ्री हो रहे हो, उनको रिलीज़ कर रहे हो, ये वो एनर्जीज मैं आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ। बट यहाँ पर जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ ना कि आप एनर्जीज़ को, लोगों को, ऐसी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो, जिन लोगों ने आपको दुख तकलीफ़ दिए हैं, जहाँ पर आपने अपना 100% दिया लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं मिला, आपकी मेहनत के हिसाब से आपको रिवर्ट नहीं मिला, या फिर जो भी आपने किया उस हिसाब से आपको नहीं मिला, धोखा मिला है, चिटिंग मिली है आपको, ठीक है, तो आप डेफिनेटली कुछ वक्त के लिए वो चीज़ें आपके दिमाग पर, आपके दिल पर आपको दर्द देंगी। कहने का मतलब कि उन चीज़ों से आप नेगेटिवली अटैच थे, या फिर मैं कहूँगी उन लोगों से, उन सिचुएशन से आप अटैच थे, तो जब वो चीज़, जब वो लोग, ऐसे सिचुएशंस रिलीज़ होंगी आपसे, तो डेफिनेटली आपको हर्ट होगा, बट आप बहुत ही स्ट्रांगली अब उन चीज़ों के लिए, उन ऐसी एनर्जीज के लिए, ऐसी स्थिति के लिए ना आप इस महीने प्रिपेयर हो। अब आप अपने आप को ऐसे लोगों से अपने आप को फ्री करना चाहते हो, यहाँ पर मुझे एक फ्रीडम वाली एनर्जीज मिल रही है कि ठीक है, जो मुझे नहीं अब सर्व करेगा, अब वो रिलीज़ हो जाए, और अब मैं, जैसे कि आप ना कोई बहुत बोझ लेकर के अपनी ज़िंदगी में चल रहे थे, अब आप दुखी हो गए हो, जैसे कि किसी के सामने नकली हंसी हंसना, अपने आप को कंफर्टेबल दिखाना, कंफर्टेबल दिखाने की कोशिश करना, अपने आप को ओके फील कराना, लेकिन आप अंदर से नहीं हो, ठीक है, आप दिल से नहीं वहाँ पर एडजस्ट हो पा रहे, क्योंकि आपको वहाँ से बहुत चीटिंग मिली है, आपको वहाँ से बहुत दुख दर्द मिला है। तो वो एनर्जीज मैं आपके लिए फील कर रही हूँ यहाँ पर कि आप इस महीने ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को आप रिलीज़ कर दोगे। लेट एवरीथिंग दैट वॉन्ट्स टू गो गो एंड एवरीथिंग दैट वॉन्ट्स टू कम कम, मतलब अब आप चीज़ों को पकड़ नहीं रहे हो, आपकी ज़िंदगी से जो चीज़ें जा रही हैं आप उन्हें जाने दे रहे हो, और जो अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं आप उनका खुले दिल से वेलकम कर रहे हो। तो ये एनर्जीज आपकी जो है बहुत ही प्यारी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगेन क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा है आपके लिए, देखिए ये आपके लिए रिश्तों को लेकर के है, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपके अदर रिश्ते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक सोच देख रही हूँ, क्योंकि मुझे ये आपके
ऑल एस्पेक्ट्स में नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है ना, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनका पर्सनल लाइफ हो, कुछ लोगों के लिए उनका करियर पाथ हो सकता है, अदर एस्पेक्ट कुछ लोगों के लिए सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली ऊर्जा को देखिए। और यस, जैसे कि मैंने पिछली अपनी रीडिंग्स में भी बोला है कि ये 2024 का ईयर है, सैटर्न का ईयर है, अगस्त और सेप्टेम्बर मंथ, ये दो मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, रिलीजिंग फॉर्म में रहेंगे कि आप कार्मिक को रिलीज़ करोगे, तो डेफिनेटली जैसे लोगों से जैसे सिचुएशन से आप इस समय रिलीज़ कर रहे हो ना, डेफिनेटली आप कार्मिक को रिलीज़ कर रहे हो, यहाँ पर वो एक कन्फर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो आप बेसिकली इस समय क्या कर रहे हो, रिश्तों को लेकर के भी खासकर आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब बुरे हैं आपकी ज़िंदगी में, जो आपके लिए जिनसे आपका कनेक्शन है, जो आपका दिल बोल रहा है कि हाँ ये मेरे अपने हैं, ये मेरे वेल विशर्स हैं, उनके साथ आप आगे बढ़ रहे हो, और जो आपका दिल आपको बोल रहा है कि जहाँ किसी के लिए कुछ खटक रहा है, जहाँ आपको उनकी ट्रू, जिसे कहते हैं ना कि उनके ट्रू फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लोगों को रिलीज़ कर रहे हो, मतलब ये मंथ आपकी लाइफ में एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स हैं, ठीक है। नेगेटिविटी की एंडिंग्स हैं और न्यू बिगनिंग्स हैं। डेफिनेटली एंडिंग्स आपको हर्ट करेंगी, बट वो थोड़े वक्त के लिए है, आप उससे उभर के बाहर आ जाओगे, क्योंकि आप उसके लिए रेडी हो, आप उसके लिए बिल्कुल तैयार हो। आप ऐसा नहीं कर रहे हो, अगर आप अदर कार्ड्स में देखोगे, दूसरे कार्ड्स में देखोगे, अगर आप टैरो में, तो उसमें क्या है कि एक इंसान, एक बंदा लेटा हुआ है और उसके ऊपर 10 swords लगी हुई हैं, ठीक है, जो उसको बिल्कुल एंड कर देती हैं, उसको बहुत हर्ट कर रही है। बट यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप अपनी खुशी से अब कर रहे हो कि ठीक है, हो गया, दैट्स इट, इतना जितना होना था हो गया, मुझे और एंटरटेन नहीं करना, अब इन चीज़ों को ख़त्म करना है, मैं और ये नकली फेसेस नहीं देख सकता है, और मैं इस चीज़ में मैं दो मुँह लगा करके नहीं चल सकता या चल सकती, समझ रहे हो आप। तो मतलब वो एनर्जीज में आप लोगों के लिए फील कर रहे हो, लेकिन डेफिनेटली इस वजह से ये जो बदलाव आपके जीवन में सेप्टेम्बर मंथ में हो रहे हैं, इस वजह से आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग आप करोगे, क्योंकि डेफिनेटली होगा ये सब चीज़ें, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग आप करोगे कुछ चीज़ों में, आप अपने आप को गिल्टी फील कर सकते हो, मतलब होता है ना कि इमोशंस अप एंड डाउन्स आपके होंगे, इस समय फ्लक्चुएट होंगे। यहाँ पर भी जो क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा है, यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप वाटर की मूवमेंट देखोगे, यहाँ पे जैसे हलचल बहुत खासी मची हुई है यहाँ पर, तो कहने का इमोशंस आपके बहुत अप एंड डाउन्स आपके रहने वाले हैं। कभी आप अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हो, कभी आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे हो इस महीने, और कभी आप रिग्रेट फील कर रहे हो कि ये मैंने क्यों करा। मतलब सारी एनर्जीज ना, सारी सब कुछ, सारी इमोशंस मिक्स्ड आपको यहाँ पर फील होने वाले हैं। तो अगर मैं इमोशंस वाइज कहूँ, मेंटल वाइज कहूँ, आपकी एनर्जीज इस महीने तो थोड़ी स्ट्रेसफुल रहेंगी, ठीक है, स्ट्रेस लेकर के आप चल रहे हो, बट बिलीव मी, जैसे ये मंथ जाएगा, आप अपने आप को बहुत लाइट फील करने वाले हो, क्योंकि इस समय बिल्कुल राइट एक्शंस, राइट डिसीजंस हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि क्या मेरे लिए है, क्या नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ, जैसे कि एक नई शुरुआत। अब होता है ना, आप अपनी पावर में आ रहे हो, आप सही चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और सही रिश्तों को अट्रैक्ट आप कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में से ना, मतलब जो नेगेटिव लोग हैं, जो झूठे लोग हैं, उनकी वो रिलीज़ हो रहे हैं, तो वो जगह बन रही है न्यू एनर्जीज़ के लिए। तो आप भी, जैसे कि आप भी ना, कुदरत के साथ जो चीज़ें आपके जीवन में इस महीने हो रही है, आप उसके साथ एडजस्ट कर रहे हो कि ठीक है, ये हो रहा है तो होने दो, मतलब आप रेजिस्ट नहीं कर रहे हो, आप उसे पकड़ नहीं रहे हो, आप ये नहीं कह रहे हो कि नहीं 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 ये नहीं होना चाहिए। आप भी उसके साथ, हालांकि आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको टेंशन हो रहा है, आप भी गिल्ट में जा सकते हो, लेकिन आप कह रहे हो ठीक है, अब जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि अब ये हो चुका, मतलब इतना इनफ है, ये आज नहीं तो कल, ये तो होना ही था, समझ रहे हो। तो आप वो अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप बहुत फ्लेक्सिबल हो रहे हो, इस ऊर्जा में आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, वो एनर्जीज में आपकी फील कर रही हो, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जो हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। और जैसे कि मैंने बोला, आप अपने इंट्यूशन को और आप अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हो, अपने दिल को फॉलो कर रहे हो, और इस वक्त में आपकी इंट्यूशन बहुत हाई पीक पर रहने वाली है वर्गोस, ठीक है। और आपकी इंट्यूशन के थ्रू, आपके दिल के थ्रू जो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मतलब मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मतलब जो आपको सेंस होगा, जो आपको फील होगा, वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। यहाँ पर वो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि ट्रस्ट करना है बस आपको उस पर, ठीक है, उस बिहाफ पर आप डिसीजंस, एक्शंस अपने बना सकते हो। तो
आपको ट्रस्ट रखना है कि ओके ये इंसान या ये सिचुएशन या ये फिर जो भी चीज़ है ये मेरे लिए नहीं है, तो ये रिलीज़ हो रही है. ओके तो वो ट्रस्ट रखना है. तो थोड़ा मैं कहूँगी मिक्स्ड रहेगी एनर्जीज आपके रिश्तों को लेकर के भी. डेफिनेटली कुछ रिश्ते अच्छे होंगे तो कुछ रिश्ते बुरे होंगे. जो रिश्ते अच्छे होंगे ये याद रखिएगा वो रिश्ते आपके कंटिन्यू होंगे आगे, और जो रिश्ते सही नहीं हैं, जो टू फेसेस रिश्ते हैं जिनसे आपको धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, वो रिलीज़ हो जाएंगे. ये सबके लिए है, चाहे आप किसी लव लाइफ में हो और लव लाइफ की बात हो रही है आपकी, आप किसी के साथ पार्टनरशिप में, आई मीन ये कोई भी पार्टनरशिप भी इवन हो सकती है, ये आपकी बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है. ये आप मैरिड हैं या किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, या फिर ये कोई दूसरे रिश्ते हैं. तो ये सबके लिए एनर्जीज यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है. आप इन एनर्जीज़ के साथ ना बहुत ही काइंड हो, बहुत ही सॉफ्ट हो, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है. आप बिल्कुल भी रिजिस्ट नहीं कर रहे हो, बहुत प्यारी एनर्जीज़ है इस एनर्जीज़ को देख करके कि येस आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप डिवाइन को ट्रस्ट कर रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हो. ओके नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स. माई गॉड, जहाँ पर मुझे आपके लिए ये बता रहा है कि ये वक्त जो है ना आप लोग बहुत मतलब अपने वर्क प्लेस पर मतलब अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो. कुछ लोग यहाँ पर ना कोई नई शुरुआत कर सकते हैं. नई शुरुआत में अगर बात करूँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे आपकी एजुकेशन के लिए दिखाई दे रहा है. कहने का मतलब कुछ सीखना, कुछ करना, कुछ नया ट्राई करना, कुछ नया सीखने वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर लग रही है कि आप उस पर टाइम स्पेंड कर रहे हो, उस पर आप अपना दिमाग लगा रहे हो. अगर आप ऑलरेडी कोई किसी करियर में हो तो उसमें कुछ नया आप किस तरीके से ऐड कर सकते हो या फिर कोई नई स्किल आप कैसे सीख सकते हो, वो एनर्जीज मैं आपकी यहाँ पर देख रही हूँ. तो मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हुए कि यस मैं इसमें क्या ऐड करूँ और किस चीज़ से मुझे इसमें फ़ायदा होगा, ठीक है, वो एनर्जीज मैं आपके लिए देख रही हूँ. और आपकी तरफ वो अपॉर्चुनिटी आएगी भी, ठीक है, डिवाइन की तरफ से जैसे कि आपकी तरफ वो अपॉर्चुनिटी दी भी जा रही है. तो बहुत ना जैसे खोज कर रहे हो आप, चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, बहुत मतलब मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है कि बहुत ज़्यादा ना आप चीज़ों को ढूंढ रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो, ऐसी एनर्जीज मुझे आपके लिए यहाँ पर मिल रही है, ठीक है. तो ये कुछ नया करना, कुछ नया सीखना ये मंथ में आपके लिए रहेगा. आपका फोकस रहेगा कि किस तरीके से मैं चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ, एक्सपैंड कैसे करूँ, ठीक है, ग्रो कैसे करूँ, वो एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ. तो बहुत सारी मेहनत आप कर रहे हो. मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ऑनलाइन भी सर्चिंग चल रही है, वर्क चल रहा है, और आप जैसे कुछ ऑनलाइन सीख सकते हो, ऐसी ऊर्जा भी मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है. यस, और वही हेल्थ की अगर बात की जाए तो देखिए हेल्थ का क्या है, मैं आपकी हेल्थ को यहाँ पर देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस महीने, ठीक है. क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि आपके ज़िंदगी से नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, ऑल इन ऑल मैं बोलूँ तो पास्ट रिलीज़ हो रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशंस रिलीज़ हो रही है, आपके वूंड्स हील होंगे लेकिन हील होने से पहले वो कुरेदे जाएंगे इस महीने. तो हो क्या रहा है कि आपकी जो मेंटल स्थिति है मतलब इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वो इफ़ेक्ट करेगी, जिस वजह से कि आप भी लो फील करोगे इस महीने. वो एनर्जीज मैंने आपको यहाँ पर भी आई थिंक मैंने बताई है, अगर नहीं बताई है तो मैं आपको अब बता रही हूँ, ठीक है. विद द 10 of Swords, 9 of Swords एंड 3 of Swords इस महीने आप लो फील करने वाले हो. एक बात याद रखिएगा वर्गोज, ये जो भी एनर्जीज में आप लो फील करने वाले हो ये समझ जाइएगा, अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करेगी आगे, मुझे नहीं पता, हो सकता है कुछ लोगों से अभी कर जाए, कुछ वर्गों से अभी भी कर जाए, ये सितंबर मंथ की एनर्जीज हैं. तो प्लीज़ आपको ये याद रखना है कि ये सारी चीज़ें आप ही के लिए हो रही हैं, ये रिलीज़ होना ज़रूरी है. जो चीज़ें, जो सिचुएशंस आपको सर्व नहीं करती हैं, उनका रिलीज़ होना आपकी ज़िंदगी से बहुत ज़रूरी है. देखिए यहाँ पर दो सिचुएशंस मैं आपको बताना चाहूँगी. जो अनहेल्दी रिश्ते, अनहेल्दी टॉक्सिक एनर्जीज हैं वो आपके जीवन से जाएगी. वो फॉर्म कोई भी हो सकता है, करियर है, जॉब है, बिजनेस है, रिश्ते हैं, कुछ भी है. लेकिन अगर कहीं आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं किसी रिश्ते में, लेकिन आप वो पर्सन आपके लिए ट्रू है, ठीक है, वो पर्सन आपके साथ सच्चा है, उसने आपको चीट नहीं किया है, तो वहाँ पर चीज़ें हील होंगी. क्योंकि ये वक्त जो है ना सिर्फ टॉक्सिक और कार्मिक चीज़ें, कार्मिक
लो कार्मिक सिचुएशंस ही रिलीज होंगे आपके, अच्छी चीज़ें आपके साथ आगे बढ़ेंगी। तो इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना है। मे बी कुछ लोगों से, कुछ सिचुएशन से आप अनहेल्दी वे में आप अटैच्ड हैं, तो उनके जाने का गम आपको लग सकता है, लेकिन अच्छी लोग, अच्छी सिचुएशंस आपके साथ, अच्छी चीज़ें, अच्छी ऊर्जाएं आपके साथ आगे जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि यहाँ जा करके आप थोड़ा सा ना इम्बैलेंस हो सकते हो, थोड़ा सा आप जिसे कहते हैं कि, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि कुछ अनहेल्दी, क्योंकि जस्टिस का कार्ड ना यहाँ पर आपके लिए ब्लॉकेज में आया है, तो ये कार्ड बेसिकली यही कह रहा है कि कुछ चीज़ों को आप इग्नोर करना चाहोगे जिनके साथ आप नेगेटिवली अटैच्ड हो, मतलब वो चीज़ें टॉक्सिक हो सकती हैं, वो टॉक्सिक हो सकते हैं, बट आप नेगेटिवली अटैच्ड हो, तो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा ना आप इक्वालिटी नहीं रहेगी आपके अंदर। कहने का मतलब आप उसे एक सार में नहीं गिनोगे, कि आप ये मानने में थोड़ा सा कठिन होगा आपको, मुश्किल होगी आपको कि ओके ये टॉक्सिक है एनर्जीज मेरे लिए, ये इंसान मेरे लिए टॉक्सिक है, ये इंसान का जाना मेरे लाइफ में से बड़ा ज़रूरी था, ये सिचुएशन का जाना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था। तो वो थोड़ा सा ना शॉक एनर्जीज भी मैं आपके लिए देख रही हूँ, शॉक होना या फिर कन्फ्यूज होना, जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में जा रहे हो, ऐसी ऊर्जा मैं आपके लिए यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। और अगर स्पिरिचुअलिटी की, और यस पहले मैं आपके यहाँ पर बात कर लेती हूँ, तो हेल्थ को लेकर के प्लीज़ थोड़ा सा कंसर्न दिखाइए। इस वक्त में मैं आपको ये ही बोलूँगी कि इस वक्त में जितना हो सके पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिए। दूसरा, जो भी इमोशंस आपके अंदर हैं उनको रिलीज़ कीजिए, जो भी आप अंदर सोच रहे हैं चीज़ों को उनको रिलीज़ कीजिए, किसी के साथ या तो शेयर कीजिए, शेयर नहीं कर सकते हैं तो माय डियर सबसे अच्छी ऊर्जा बता रही हूँ, आप किसी के साथ शेयर नहीं भी करना चाहते हैं, आपके साथ डिवाइन टीम है आपकी, एंजल्स हैं आपके, वो आपको कह रहे हैं कि आप उन्हें लेटर लिखिए, आप उनके साथ अपने इमोशंस शेयर कीजिए, ठीक है। वो आपको, आपके लिए आपकी मदद कर रहे हैं, वो उन एनर्जीज़ को, उन इमोशंस को, उन थॉट्स को रिलीज़ करने में आपकी मदद करेंगे, आपको लाइट फील होगा। मतलब आपको अपने अंदर ना, अगर आपको ऐसा लगे इस महीने वर्गोस कि आपको रोना आ रहा है, तो रोना है आपको। कहने का मतलब अपने अंदर इमोशंस को स्टक नहीं करके रखना है, उसको रिलीज़ कर देना है, चाहे वो आप किसी भी फॉर्म में कर रहे हो, ठीक है, किसी भी फॉर्म में कर रहे हो, उसको अंदर भर के मत रखो, या तो आप उसको लिख दो, ठीक है, आप डिवाइन के नाम, एंजल्स के नाम, या फिर जो भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनके नाम एक लेटर लिखिए, ओके, और जो भी आपके अंदर भरा हुआ है आप सब कुछ लिख दो, उनके नाम आप लिख दो, और उनको बोलो कि वो आपको इसे रिलीज़ करने में मदद करें, ठीक है। यस, ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करेगी। और अगर यहाँ पर बात की जाए आपकी स्पिरिचुअलिटी की, तो मैं यहाँ पर जैसे कि आपको बता रही हूँ कि स्पिरिचुअली यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। आप बहुत ज़्यादा, मतलब अपने दिल को फॉलो करोगे, अपनी इंट्यूशन पर आप ट्रस्ट करने वाले हो। यस, कभी कभी ना यहाँ पर जब थॉट्स आपके नेगेटिव होंगे तो कभी कभी डाउट्स भी आपको होगा, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रॉपर आपको ना अपने जो भी आप रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं स्पिरिचुअली, ठीक है, जो भी आप करते हो, चाहे वो मंत्रा चैंटिंग्स हैं, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो ग्राउंडिंग है, चाहे वो चक्रा हीलिंग है, जो भी आप करते हैं प्लीज़ आप उसे कीजिए। और अगर आप नहीं करते हो तो उस तरफ आगे बढ़ने लग जाओ, उसको करना, उसको परफॉर्म करना स्टार्ट कर दो। ये मंथ ना आपके लिए वर्गो सबसे इंपॉर्टेंट, पता है क्या रहेगा, मैं आपको यहाँ पर एक मैसेज देना चाहती हूँ, हो ओपन, ओपन प्रेयर कीजिए, आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट से भी बेस्ट है। ये जो भी सिचुएशंस आपके साथ हो रही है ना, उसको रिलीज़ करने में आपकी बहुत मदद करेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर बताया था, मैंने किसी वीडियो में अपने बोला था कि आपको जो है रात को सोने से पहले जो है आपको हार्डली 14 या 15 मिनट्स की वीडियो है, मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, हो ओपन ओपन प्रेयर, तो आप उसको रात को कीजिए, और रात को सोने से पहले आप उसको या तो आप बोलिए, ठीक है, प्रेयर यही है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है, या फिर आप उसे सुन सकते हैं। और सुबह जैसे ही आप उठते हैं, ज़मीन पर पैर आपको नहीं रखना है, सबसे पहले आपको प्रेयर सुननी है या बोलनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब 10 या 15 मिनट एटलीस्ट आपको उसको देने हैं, तो ये एनर्जीज़ जो है आपके जो वूंड्स हैं उनको हील करने में, रिलीज़ करने में आपको मदद करेगी, आपके ऑरा को क्लींस करने में मदद करेगी, आपको
पॉजिटिव करने में, ठीक है, आप देखोगे कि आपके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, आप पॉजिटिव हो रहे हो, आप पॉजिटिवली चीज़ों को रिसीव कर रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो हायर पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपके अंदर हीलिंग होगी उस वक्त में, तो ये करना बड़ा ज़रूरी है। तो किसी ने पूछा था कि रात को अगर हम करेंगे तो हमारे वूंड्स जो है ओपन होंगे, हम उन विचारों में जाएंगे, तो वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि ये हीलिंग है, ये हीलिंग प्रोसेस है, इसमें आपके वूंड्स बाहर निकल के नहीं आएंगे, वो आपको फॉर्म बताया गया कि इनकेस अगर आप हीलिंग कर रहे हो उस वक्त में और अगर आपको रोना आए तो उसको आपको अंदर स्टक नहीं करना है। अगर आप प्रेयर कर रहे हो और आपको रोना आ रहा है, आपके इमोशंस बाहर आना चाह रहे हैं, तो रो लोगे तो उससे हैवी नहीं हो जाएगी ऊर्जा, उससे आपकी ऊर्जा रिलीज हो जाएगी, नेगेटिविटी जो भी हैवी एनर्जीज हैं वो रिलीज हो जाएंगी। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इस प्रेयर को कीजिए, ये मंथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये मंथ आपके लिए नई शुरुआत लेकर के आ रहा है, ठीक है। आपको, आप चीज़ों को नए सिरे से देखोगे, नए हायर प्रोस्पेक्टिव से आप चीज़ों को देखोगे, डिवाइन के होने का, यूनिवर्स के होने का एहसास आपको यहाँ पर होगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कोई शक्ति है जो मेरे साथ काम कर रही है, कुछ है। आप बहुत इमोशनली ना बहुत कनेक्टेड फील करने वाले हो, आप समझोगे चीज़ों को कि यस ये एनर्जीज होती हैं, मेरे साथ काम कर रही हैं, मुझे सपोर्ट कर रही हैं वाकई में। तो मैंने आपको बोला ना, जब ये मंथ आपका निकल जाएगा ना, आपको एंड में यहाँ पर पता चलेगा कि हाँ ये सब आप ही के अच्छे के लिए हुआ है। तो बस आपको उस रिसीविंग एनर्जीज में रहना है, अपने हार्ट को, अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखना है कि जो आ रहा है उसके लिए मैं ओपन हूँ, जो जा रहा है मैं उसके लिए भी ओपन हूँ, ठीक है। क्योंकि जो जा रहा है वो मेरी ज़िंदगी के में मेरे लिए अच्छा नहीं है और जो आ रहा है वो अच्छा है, बस ये ट्रस्ट आपको इस महीने दिखाना है, ओके, यस, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन फ्लो भी है, तो यस यहाँ पर डिवाइन आपको पाथ दिखाएंगे। एक आपके लिए यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चेंज मैं आपके जीवन में यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये चेंज है, ये बदलाव है, ये हमेशा अनकंफर्टेबल रहता है, कभी भी स्मूद नहीं रहता है, ठीक है। तो उस अनकंफर्टेबल एनर्जीज को आप फील करने वाले हो, बट इसके लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज कीजिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आइए, जो अच्छी चीजें, अच्छे लोग, अच्छी सिचुएशंस आपके साथ हैं उनको लेकर के डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करना, थैंक यू बोलना, क्योंकि वो आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिव करने में इस मूवमेंट पे मदद करेंगी, आपके ऑरा को आपके ऑरा को ब्राइट करने में आपकी मदद करेंगी, आपको हायर प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देखने में आपकी मदद करेंगी। तो प्लीज़ आपको ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज, आई मीन ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है, थैंक यू बोलना है डिवाइन को, ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेक भी सॉल्यूशंस है, थोड़ा सा आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलना ही होगा ना माय डियर, ठीक है। थोड़ा आपको मतलब यहाँ पर क्या है, आपको आपको सपोर्ट आई मीन फिजिकल फॉर्म में, अगर फिजिकल रियलिटी की बात करूँ तो इस एनर्जी से बाहर निकालने के लिए आपको कोई नहीं आएगा, आपको खुद से अपने आप को यहाँ से बाहर निकालना है, ठीक है। यस, डिवाइन शक्तियाँ आपके साथ हैं, बट आपको उनकी प्रेजेंस को फील करना है, तो उन्हें अलो करना है आपको, ओके। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर 10-10 की एनर्जीज भी दिख रही होगी, 10-10 सिंक्रोनिसिटीज, 9-9 नंबर इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आप लोगों के लिए, और 3 नंबर भी यहाँ पर बहुत है, एनर्जीज है यहाँ पर 3333, 888, 555, 999 और 10-10, यस, ओके। फर्स्ट लाइट बिगनिंग अ न्यू साइकिल, देखो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि बस अब देखो यहाँ पर ना मून की ऊर्जा भी है, तो डेफिनेटली इमोशंस हाई रहेंगे इस मंथ में, फ्लक्चुएशन रहेगी, बट आप अब रेडी हो एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करने के लिए, देखिए। और ये बेसिकली ये उसकी शुरुआत है, फर्स्ट लाइट है यहाँ पर, तो ये उसकी शुरुआत है। ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अचानक से आप में से कुछ लोगों को ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, या फिर ये मेंटल ट्रैवल, मैंने बोला ना कि कुछ शॉक होना, शॉक मिलना आपको कि ओके ये पर्सन या ये सिचुएशन मेरे हक में नहीं है, वो होता है ना कि एपिफनी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप फील कर रहे हो, आप एकदम से समझ रहे हो ओके ये मैं इस इंसान को क्या समझ रहा था, ये सिचुएशन को मैं क्या समझ रही थी, तो ये वैसा नहीं है, समझ रहे हो। तो वो एनर्जीज, वो एक
जस्ट मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फिजिकल ट्रैवल भी है, तो प्लीज़ उस ट्रैवल के लिए रेडी रहिए, ओके। ये अचानक से भी आप लोगों की ज़िंदगी में यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अगेन यहाँ पर मुझे ये जो एनर्जीज है ना आप लोगों के लिए क्या दिख रही है, माय गॉड, देखो रास्ता आपको दिखेगा डेफिनेटली, इस महीने डिवाइन आपको रास्ता दिखा रहे हैं, डोंट वरी, उस रास्ते पर चलते जाओ, गोइंग इन द फ्लो रहो, ठीक है। और ये देख रहे हो जैसे कि डस्टबिन है, रिसाइकल बिन यहाँ पर जितना भी नेगेटिविटी है ना उसको आपको फेंक देना है, मतलब जो भी आपको सर्व नहीं करती हैं चीज़ें, लोग, करियर, सिचुएशंस, आपके खुद के कुछ अनहेल्दी चीज़ें हो सकती हैं, आदतें हो सकती हैं, प्लीज़ उनको रिलीज़ करके अब आगे बढ़ना है। आपको डिवाइन यहाँ पर रास्ता वो दिखा रहे हैं, ठीक है, इस महीने। प्लीज़ अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, नेचर के साथ कनेक्शन को बिल्ड कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस महीने, क्योंकि वो आपको बैलेंस करने में मदद करेगा, ठीक है। इम्पास, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जीज, यस। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंट पर आप लोगों को ऐसा भी लगे इस महीने कि मैं कहाँ आकर के रुक गया हूँ या रुक गई हूँ, ठीक है। मतलब होता है ना कि अगर आप गलत रास्ते जाओगे भी ना, अगर आप गलत रास्ता चूज़ भी करोगे तो वहाँ पर डिवाइन कुछ ना कुछ ब्लॉक क्रिएट कर देंगे। जैसे कि कुछ मैंने क्या बोला कि अगर हो सकता है कि इस महीने कुछ आप किसी सिचुएशन को या किसी पर्सन को, देखिए सबके लिए अलग अलग है, अभी एक चीज़ पर आप स्टिक मत रहिएगा। एंड अगेन बोल रही हूँ, जर्नल रीडिंग है, किसी के लिए कोई एस्पेक्ट हो सकता है, किसी के लिए कोई एस्पेक्ट हो सकता है, मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि किसी पर्सन पर आप ट्रस्ट कर रहे थे लेकिन वो पर्सन के लिए सही नहीं था, तो कुछ ना कुछ डिवाइन आपको वहां से कुछ ना कुछ दिखाएंगे कि आपको उस इंसान के लिए सोचने के लिए मजबूर कर देंगे, या उस सिचुएशन के लिए आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि क्या ये मेरे लिए सही है। फॉर एग्जाम्पल करियर को ही देख लेते हैं या फिर जॉब को ही देख लेते हैं, जो भी करियर पाथ में आप हो, जो भी जॉब आप कर रहे हो, मे बी उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कहीं कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कि अगर वो आपके लिए सही नहीं है तो कि आपको सोचने पर मजबूर कर दिया जाए कि क्या ये मेरे लिए सही है या फिर मेरे लिए दूसरा पाथ है। जैसे कि कुछ कहीं पर आपको ऐसा आएगा कि आपको डिवाइन सोचने पर मजबूर कर देंगे कि देखो एक बारी अच्छे से चुनाव करो, मतलब क्योंकि वो आपको पाथ दिखा रहे हैं, वो आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा क्योंकि वो चीज़ होगी और आपको अपने अंदर से वो आंसर मिलेगा। अगर आप कहीं बाहर से इस महीने आंसर ढूंढने जाओगे, अगर अपने जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस चल रहे हैं कि मुझे यहां से पता चल जाए, मुझे कोई आकर के बता जाए, नहीं, या आपकी इंट्यूशन है या आपका दिल है जो आपको गाइड करेगा, आपको कनेक्ट करेगा, तो इस महीने जितना हो सके, मैंने आपको बोला ना, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को प्लीज़ पूरी तरीके से कीजिए, तभी आप कॉन्फिडेंटली एक्शन ले पाओगे, तभी आप अपनी इनर वॉइस को फॉलो कर पाओगे, तभी वो आंसर्स को आप कैच कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशंस तो हैं आपके पास, आपके पास गाइडेंस भी आ रही है, ठीक है, लेकिन वो आपको अंदर से मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओके। प्रॉस्पैरिटी एंड अबंडेंस, एक बात तो फॉर श्योर है, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपके लिए आने वाला समय बहुत खूबसूरत रहने वाला है, और अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है इस महीने कि आपको उस एनर्जीज में टैप इन करना है। मैंने बोला ना यहाँ पर ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा में रहना, अपने आप को, अपनी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको लेकर के ग्रैटिट्यूड पे करना, अपने आप को अबंडेंट फील करना, मैं जो भी आपकी लाइफ से चीज़ें जा रही हैं उनको, ये आपको इस फॉर्म में देखना है कि ये मेरे, ये मुझे सर्व ही नहीं करता, इसमें और भी बुरा घटित कुछ हो सकता था, तो थैंक गॉड कि डिवाइन इसे, इस एनर्जीज को रिलीज़ कर रहे हैं, थैंक गॉड कि मुझे जगा रहे हैं, थैंक गॉड कि मेरी लाइफ में अब न्यू बिगनिंग्स होंगी, मेरी लाइफ में अबंडेंस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाना है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। और कुछ कहना चाहते हैं आप वर्गोस को? मेक अ मूव, यस। आप यहाँ पर ना कुछ एनर्जी स्टक भी है, ओके, स्टकनेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, ये दैट इज़ वाई यहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपके जीवन में काम अटक जाते हैं या फिर आप कुछ करते हैं तो चीज़ें रुक जाती हैं, थम जाती हैं, आगे उस तरीके से फ्लो बढ़ नहीं रहा, या बहुत लंबे समय से किसी एक ही साइकिल में आप बंधे हुए हो, डोंट वरी, ये महीना वो फ्लो बनेगा,
ठीक है, वो फ्लो में आप आओगे, मतलब आपके जीवन में ना जो रुकावटें हैं ना वो हटेंगी, ठीक है। अभी वो वे कुछ भी हो सकता है, डिवाइन का तरीका कुछ भी हो सकता है, डेफिनेटली जो मैं आपको यहाँ पर मैसेज दे चुकी हूँ, पर आपकी जीवन में दोबारा से जो वो फ्लो रुक गया था अच्छी एनर्जीज का, वो फ्लो फिर से स्टार्ट होगा, यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं। और आपको ना कुछ अपने बॉडी को मूव करने की, स्ट्रेचिंग करने की, डांस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर भी एनर्जीज जैसे स्टक हो गई हैं। ब्लड सर्कुलेशन को जैसे कि बहुत अच्छे से चलने की आपके लाइफ में ज़रूरत है। देखिए, ये एनर्जी फॉर्म में काम करती हैं चीज़ें। अगर आप अपनी बॉडी को मूव करोगे, स्ट्रेचिंग करोगे, डांसिंग करोगे, ठीक है, मतलब पूरी अपनी बॉडी को अच्छे से हिलाना, स्वेट निकालना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खासकर मुझे फ्लेक्सिबिलिटी डिवाइन यहाँ पर बता रहे हैं कि फ्लेक्सिबल होना, मतलब आपकी बॉडी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। तो बॉडी में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी में भी जो ब्लॉकेज आ चुकी है ना, वहाँ पर भी फ्लो आएगा, ठीक है, वहाँ पर भी चीज़ें स्मूथली चलेंगी, रास्ता मिलेगा, ये इस वजह से भी है। ओके, तो यस माय डियर वर्गोज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाई हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हो, मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी है ये वीडियो। मैं कमेंट्स जो है सारे रीड करती हूँ, और लास्ट टाइम भी आपने जो कमेंट्स किए थे मेरे वीडियो के नीचे, मैंने सारे पढ़े हैं। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ आप सभी की, और मैं ईश्वर का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे माध्यम बनाया आपकी तरफ इन मैसेजेस को पहुंचाने का। उन मैसेजेस से भी आपको बहुत गाइडेंस मिली है, तो मैं बहुत खुश हूँ, दिल से बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। आप नहीं होते तो मैं भी नहीं गाइड कर पाती, ठीक है। तो मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड यस, डिवाइन को भी थैंक यू ज़रूर कहना, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना है, ठीक है, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए, उनकी एक मदद हो पाए, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।